बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ वन स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं पाइक नवाज। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर डे मनाया जा रहा है। दिहाड़ीदार तबका बुनियादी इंसानी ज़रूरियाती ज़िंदगी से महरूम। दीवार तनाज़ा पर सरेआम असलहा की नुमाइश करने वाले 6 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना गुलबहार के इलाका अवान स्ट्रीट में दीवार तनाज़ा पर सरेआम असलहा की नुमाइश करने वाले 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान ने असलहे की नोक पर दीवार गिराने की भी कोशिश की थी। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। लोअरदीर दरिया पंचकोड़ा इन दिनों लोअरदीर के शहरों के अफ्तार पार्टियों का मरकज बना हुआ है और मुख्तलिफ इलाकों से अफराद दरिया के ठंडे मौसम में अफ्तारी करने लगे हैं। तफसील जानते हैं रहमतुल्ला स्वाती की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर दरिया पंचकोड़ा की है, जहाँ गर्मी के सताई रोजादार अपने दोस्तों और टीम इली के साथ अफ्तारी के लिए उमड़ आए है। मुख्तलिफ जगहों पर दरिया पंचकोड़ा के किनारे आई ये रोजादार दोपहर से आकर अफ्तारी के औकात तक दरिया के ठंडा मौसम से खूब मजा लेते हैं। शदीद गर्मी थी और मैं अपनी दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ दरिया के पंचकोड़ा के किनारे पे हम आए हुए हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो अपने दोस्तों के साथ आए हैं दरिया पंचकोड़ा के किनारे पर अफ्तारी करने के लिए। और आज बहुत शदीद गर्मी था तो हम लोग इधर आए दरिया पंचकोड़ा के किनारे पे। यहाँ पर मौसम बहुत खुशगवार है और अच्छा है। दरिया के किनारे आए हुए रोजादार अफ्तारी के मुख्तलिफ पकवान और खाने तैयार करते हैं और दोस्तों के साथ हसीन मनाजिर यादगार बनाते हैं। दरिया में शदीद गर्मी की वजह से मुकामी लोगों ने दरिया पंचकोड़ा का रुख कर लिया है। यहाँ पर दरिया पंचकोड़ा की अस्वस्थ हवाओं में अफ्तारी भी कर रही है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्ला स्वाती, तिमरगरा, लोअर दिल। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल मलिक ज़हीर अब्बास ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों के तहत कोई भूखा ना सोए के हवाले से हातून अव्वल इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान बेगम समीना अलवी और दीगर सफीरों की बीगमात को ब्रीफिंग दी। हातून अव्वल बेगम समीना अलवी और दीगर सफीरों की बीगमात पर मुश्तमिल वफद ने पाकिस्तान बैतुल माल की अवाम दोस्त खिदमात को सराहा। वारदान कश्मीर किली के करीब 8 साल बच्चा नहर में डूब गया। उसामा वल्द हफीजुर रहमान कल घर से लापता हुआ था। मर्दान इतला मौसूल होने पर रिस्क्यू 1122 ओतहोर टीम मौके पर पहुंच गई। मर्दान शक की बिना पर बच्चे को तलाश करने के लिए रिस्क्यू 1122 ओतहोर टीम ने नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मकामी लोगों की ताउन से जल्द ही बच्चे को तलाश करके मुर्दा हालत में नहर से निकाल लिया गया। रेस्क्यू 1122। इमरान खान से ज्यादा मजदूरों का एहसास करने वाला हुक्मरान नहीं देखा, फवाद चौधरी। सऊदी अरब की आधी एम्बेसी मजदूरों से ज्यादतियों की शिकायत पर मुअत्तल कर दिया गया। मजदूरों के लिए वज़ीर आज़म का दिल धड़कता है। EOBI ने मजदूरों के लिए पेंशन दुगनी कर दी और हाउसिंग में भी मजदूरों का हिस्सा दिया। खुशहाल मजदूर हमारा निज़बुल ऐन है, वज़ीर इत्तला'आत नशरियात फवाद चौधरी का कहना। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए आज़ाद वन न्यूज़।